तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इलीट रेसलिंग के शो फाइट फॉर द फॉलन के सारे रिजल्ट्स के बारे में और क्या हुआ है शो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और एक बार फिर से एक कमाल का शो दिया है ऑल इलीट रेसलिंग ने। और ऑल आउट पेपर व्यू जो होने वाला है उनका अगस्त में, उससे पहले स्टेज हो चुकी है सेट। कई सारे मैचेस हम ऑलरेडी जानते हैं जो होने वाले हैं उस शो के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो AEW अनाउंस करेगी। लेकिन जो है आज का शो रहा गाइस काफ़ी अच्छा रहा और एक अच्छे कॉज के लिए था, जो कि गन वायलेंस के अगेंस्ट चैरिटी थी वो करी है AEW ने, और उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके प्री शो में, जहाँ पे हमें दो मैचेस देखने को मिले, जहां पे सबसे पहले होता है गाइस सोनी किस वर्सेस द लाइब्रेरियन पीटर एवलॉन। ये मैच मुझे गाइस वैसे कुछ ज्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी वाला गिमिक है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। लेकिन सोनी किस के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि काफी एथलेटिक है, और प्री शो के हिसाब से गाइस इन्होंने एक ठीक मैच दिया यहां पे, और इनकी विक्ट्री हुई, इन्होंने डिफीट कर दिया पीटर एवलॉन को। अगला मैच जो हमें देखने को मिला था वो था गाइस एक विमेंस टैग टीम मैच, जो कि इस मैच से बेटर था, जहां पे बिया प्रिस्टली और शोको नाकाजीमा ने मिलकर डिफीट कर दिया ब्रिट बेकर और रियो को। जबकि पूरे मैच में ऐसा लग रहा था कि ब्रिट बेकर और रियो की टीम आसानी से इस मैच को जीत जाएगी, एंड में एक सरप्राइजिंग रिजल्ट जो है यहां पे हमें देखने को मिला और जो इस टीम की है वो विक्ट्री हो गई। उसके बाद मेन शो पे आते हैं गाइस, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक सिक्स मैन टैग टीम मैच, जहां पे MJF, शॉन स्पियर्स और सैमी गेवारा की टीम डिफीट कर देती है जोई जनेला, डार्बी एलन और जिमी हैवक की टीम को। और मैं बोलना चाहूंगा कि ये काफी अच्छा मैच था गाइस, क्राउड काफी अच्छा था इस मैच में गाइस। और इस शो के बारे में मुझे एक और अच्छी चीज जो लगी वो ये थी कि इसकी जो लोकेशन थी वो काफी बढ़िया थी। डेली प्लेस एम्फी थिएटर है गाइस इस लोकेशन का नाम, और काफी यूनिक सी मुझे लगी लोकेशन, तो वो काफी एक अच्छी चीज थी। और इस मैच पे वापस आए तो ये मैच तो काफी इंटरेस्टिंग था, काफी एक्साइटिंग मोमेंट्स इसके अंदर हमें देखने को मिले। जबकि जनेला, एलिन और हैवक की टीम ने अपनी पूरी कोशिश करी इसको जीतने की, एंड में गाइस शॉन स्पियर्स लगाते हैं अपना फिनिशर डार्बी एलिन पे और अपनी टीम के लिए जो है वो विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। एंड में हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है कि MJF शायद अटैक करने वाले होते हैं शॉन स्पियर्स पे, लेकिन फिर वो करते नहीं है, वहां से चले जाते हैं। अगले मैच की करते हैं बात गाइस, तो ब्रैंडी रोड्स ने एली को डिफीट करा, और यहां पे गाइस आ जाती है बाहर ऑसम कॉन्ग मैच के स्टार्ट में, और रिंग साइड रहते हैं पूरे समय, डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं रेफरी को, और इसी वजह से जो है ब्रैंडी रोड्स इस मैच को जीतती हैं। अब जो एक डाउन पॉइंट यहां पे मुझे लगा वो ब्रैंडी रोड्स थी गाइस, इतनी अच्छी रेसलिंग जो है इन्होंने यहां पे नहीं करी। एली काफी टैलेंटेड सुपरस्टार मुझे लग रही है, लेकिन ब्रैंडी रोड्स को काफी मेहनत करनी पड़ेगी अगर उनको एक अच्छा मैच देना है। लेकिन इस मैच के बाद हमें मेन चीज देखने को मिलती है, जब ऑसम कॉन्ग रिंग में अटैक कर रही होती हैं एली पे, तो बाहर आ जाती हैं आजा कॉन्ग, और वो फेस टू फेस आती हैं ऑसम कॉन्ग के, और दोनों के बीच में हमें एक ऐसा बैटल देखने को मिलता है जो शायद एक हिंट हमें देता है कि ऑल आउट में उन दोनों के बीच में एक मैच हो सकता है, तो काफी इंटरेस्टिंग ये भी होने वाला है। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच, जहां पे द डार्क ऑर्डर डिफीट करती है जैक एवंस और एंजेलिको की टीम को, और साथ ही साथ जंगल बॉय और लुचासॉरस की टीम को, और अब उनको भी गाइस फर्स्ट राउंड जो है AEW के टैग टीम टूर्नामेंट का लड़ना नहीं पड़ेगा, उनको वहां से जो है छुटकारा मिल गया है और वो सीधा जाके जो है सेकंड राउंड में ही लड़ेंगे। अब काफी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये थी गाइस, लुचासॉरस जिनको मैं कमेंड करना चाहूंगा, जिस हिसाब से उनकी हाइट है, जिस हिसाब से उनका पूरा स्ट्रक्चर है, इतना एथलेटिक वो सुपरस्टार है, कमाल का है सुपरस्टार, और मेरे को काफी ज्यादा पसंद आने लग गए हैं लुचासॉरस। और जंगल बॉय के साथ जो उनकी टीम बन रही है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स काइंड ऑफ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और इसलिए जैसा कि हम कहते हैं गाइस ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो एक अच्छी टीम बनती है। और क्योंकि ये एक फेस टीम है गाइस, तो अभी इनको जो है मोमेंटम थोड़ा और ज्यादा मिलेगा, तो जब ऑल इलीट रेसलिंग आ जाएगी वीकली टेलीविजन पे, तो शायद इनके लिए और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद गाइस अगला मैच आता है हैंगमैन एडम पेज वर्सेस किप सेबियन, जहां पे एक 20 मिनट की टाइम लिमिट थी, और बिल्कुल आखिरी के बचे हुए कुछ सेकंड्स में जो है हैंगमैन पेज ने डिफीट करा किप सेबियन को। और ये बुकिंग डिसीजन गाइस मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि हैंगमैन पेज लड़ने वाले हैं क्रिस जेरिको से फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑल आउट में, लेकिन साथ ही साथ किप सेबियन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको AEW इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकती, या फिर उसको हरवा नहीं सकती इतनी इजीली, तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि किप सेबियन भी कम नहीं है, और हैंगमैन एडम पेज जबकि उनको एक टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल रखी है तब भी उनको मुश्किल हुई किप सेबियन को डिफीट करने में, तो जबकि सेबियन यहां पे हारे तब भी उनको काफी स्ट्रांग दिखाया गया, लेकिन हैंगमैन एडम पेज को मैच जीतना ही था। उसके बाद मैच के बाद हमें ये चीज देखने को मिलती है, क्रिस जेरिको आ जाते हैं एक मास्क पहन के, जैसे कि गाइस डार्क वर्ल्ड ऑर्डर के साथ उनके मिनियंस आते हैं, और उस तरीके से जो आके वो अटैक कर देते हैं हैंगमैन पेज को। सबसे
सबसे पहले वो लगाते हैं अपना कोड ब्रेकर और फिर उसके बाद जूडास इफेक्ट, जिससे जो हैंगमैन पेज की आंख है गाइस पूरे तरीके से सूज जाती है और उनका खून आने लग जाता है, और इस तरीके से जो है क्रिस जेरिको चले जाते हैं वहां से। उसके बाद हमें देखने को मिलता है पेंटागन जूनियर एंड रे फिनिक्स यानी कि द लूचा ब्रदर्स अगेंस्ट स्कॉर्पियो स्काई एंड फ्रेंकी कजेरियन ऑफ द एससीयू। और मेरे हिसाब से ये था मैच ऑफ द नाइट गाइस। लूचा ब्रदर्स जिस तरीके से क्राउड को अपने साथ करके पूरे मैच में ऐसे रखते हैं कि लोग शांत हो ही नहीं सकते, नजरें मैच से हट ही नहीं सकती, और एक कमाल का मैच था। और एससीयू को ऐसा लग रहा था चार चांद लगा दिए इन्होंने अपने साथ एक मैच में रख के, क्योंकि जो पिछले मैचेस हमें एससीयू के देखने को मिले हैं वो इतने इंप्रेसिव नहीं थे जितना आज हमें यह मैच देखने को मिला है। और इसमें पेंटागन जूनियर फिनिक्स लूचा ब्रदर्स की जो है वो विक्ट्री हुई। और मैच के बाद पेंटागन निकालते हैं बाहर एक लैडर और यंग बक्स को चैलेंज करते हैं लूचा ब्रदर्स ऑल आउट में एक लैडर मैच के लिए, जहां पे ट्रिपल ए टाइटल्स होंगे ऑन द लाइन। यंग बक्स उसका रिस्पॉन्ड देंगे गाइज, लेकिन मुझे लगता है ये मैच जो होने वाला है अब ऑल आउट में हमें देखने को मिलेगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एक और बार से लूचा ब्रदर्स वर्सेज द यंग बक्स, और उसमें एक लैडर मैच की स्टिपुलेशन लगा दी जाए तो मुझे लगता है वो एक 5-स्टार मैच जो है वो हमारे लिए इंतजार कर रहा है। उसके बाद गाइज हमें देखने को मिलता है केनी ओमेगा वर्सेज चीमा, और जैसा कि मैंने कहा था इन दोनों के स्टाइल्स काफ़ी मैच करते हैं, इसलिए हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। और एक्चुअली में ऐसा ही था, टेक्निकली रेसलिंग वाइज कमाल का ये मैच हमें देखने को मिला, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि शो इतना लंबा पहले ही खिंच चुका था तो शायद जो क्राउड था वो उतना ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं था। शुरुआत इसकी बहुत ज़्यादा हॉट हुई जब क्राउड चैंट कर रहा था दिस इज ऑसम मैच शुरू होने से पहले ही, और इन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी कोशिश करी और बहुत अच्छा मैच दिया। और उसके बाद केनी ओमेगा ने गाइज अपना वन विंग एंजल लगा के जो है हरा दिया चीमा को। और उसके बाद मेन इवेंट में गाइस हमें देखने को मिलता है एक मैच, जिससे पहले ही मैं आपको बताना चाहूंगा क्रिस जेरिको बाहर आते हैं अपने लाइव माइक के प्रोमो के लिए, और वो कहते हैं ये देखो मेरे हाथ पे लगा हुआ है हैंगमैन का खून, और वो कहते हैं किस तरीके से वो ऑल इलीट रेसलिंग जो है उनकी वजह से चल रही है, और अब वो अपना थैंक यू ऐसे मांगेंगे नहीं, वो एक एक सुपरस्टार को हराएंगे, उनको मारेंगे और उस तरीके से अपना थैंक यू जो है वो खुद लेंगे। और वो जैसे ये बोल रहे होते हैं बाहर आ जाते हैं हैंगमैन पेज और एक ब्रॉल दोनों के बीच में शुरू हो जाती है, सुपरस्टार आ जाते हैं दोनों की ब्रॉल रोकने के लिए। तो ये काइंड ऑफ जो बिल्ड हमें देखने को मिली है इस मैच की, और मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूं देखने के लिए किस तरीके से जेरिको वर्सेस हैंगमैन पेज बुक करा जाता है ऑल आउट के लिए। और फिर फाइनली गाइस मेन इवेंट आता था यंग बक्स अगेंस्ट कोडी रोड्स एंड डस्टिन रोड्स, जो कि एक इमोशनल स्टोरी थी फिर से रोड्स ब्रदर्स की। और ये मैच में 60 मिनट की टाइम लिमिट थी, तो एक काफी लंबा मैच था, अराउंड 35 मिनट्स का यह मैच था, और इस वजह से तो क्राउड तो ऑब्वियसली पूरे मैच में चैंट नहीं कर सकता, लेकिन तब भी ये रेसलिंग वाइज कमाल का मैच है। जैसा कि हम जानते यंग बक्स वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, कोडी रोड्स और डस्टिन रोड्स दोनों साथ में हो या दोनों अगेंस्ट हो, बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं। और एक काफ़ी अच्छी बात है कि कोडी और डस्टिन एक्चुअली में रिंग में कितने अच्छे हैं वो यहाँ पे हमें प्रूव होता है, जबकि WWE में उनके ऐसे गिमिक कैरेक्टर्स थे जहाँ पे उनको रेसलिंग करने का कुछ खास मौका नहीं मिलता था, अपने आप को शो करने का कुछ खास मौका नहीं मिलता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं यंग बक्स आने वाले समय में ऑल एलीट रेसलिंग की नंबर वन टैग टीम हो सकती है, और इस वजह से वो यहाँ पे हार नहीं सकते थे। उन्होंने एंड में मेल्सर ड्राइवर लगा के जो है डस्टिन और कोडी रोड्स की टीम को हराया। और मैच के बाद वो प्रोमो कट करते हैं जहां पे वो अप्रिशिएट करते हैं कि कितनी अच्छी रोड्स ब्रदर्स की टैग टीम है। और फिर गाइस इस शो के एंड में हमें देखने को मिलता है कि बाहर आ जाते हैं शाहिद खान, जो कि खुद ओनर हैं ऑल इलीट रेसलिंग के, और वो आके $150,000 का जो चेक है वो नाम करते हैं गन वायलेंस के अगेंस्ट, और उसमें से $10,000 दिए हैं केनी ओमेगा ने, कुछ अमाउंट डोनेट करिए यहाँ पे जेबेली ने गाइस, जो कि फाइटर फेस्ट का एक काफ़ी बड़ा पार्ट थे। और उसके बाद $110,000 ऑल इलीट रेसलिंग के नाम से जो है वो डोनेट करे गए हैं, तो एक काफ़ी अच्छे कॉस्ट के लिए यहाँ पे जो है उन्होंने शो एंड करा, चेक दिया मेयर को। और गाइस उसके बाद जो है यहाँ से हमारा ऑफिशियली ये शो खत्म होता है, केनी ओमेगा सबको एक गुड बाय बोलते हैं और इस तरीके से यहाँ पे शो खत्म हो जाता है। तो फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि ये ऑल इलीट रेसलिंग बेसिकली शोकेस था कि किस तरीके का हमें प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है, लेकिन एक्चुअली में जो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से ऑल आउट से ही स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि वो बिल्ड होगा उनके टीवी शो के स्टार्ट का कि तब हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जो फाइटर फेस्ट और फाइट फॉर द फॉलन शोज थे गाइस, इसको हमें कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं जज करना चाहिए, लेकिन तब भी AEW ने काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दी है, और देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आने वाले समय में उन्होंने हमारे लिए क्या सोचा है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।